अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम मैम, ठीक है, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में से जीआईटी की हमने ड्रग्स पढ़ी थी, उसमें से कोई इशू हो तो क्वेश्चन कर लें, फिर आगे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, आगे स्टार्ट करें। आज से हमने स्टार्ट करना है फार्माकोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, उसमें के डिसऑर्डर्स क्या हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या यूज़ करें, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम को हम सबसे पहले देखेंगे, जो भी हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। हॉर्मोन क्या चीज़ होती है, जो एक जगह से रिलीज होता है और दूसरी जगह पर जाके एक्ट करता है, उसे हम इसे हम हार्मोन कहते हैं, जिसका रिलीजिंग पॉइंट डिफरेंट होता है फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट हैज टू एक्ट, उसे हम कहेंगे हार्मोन। हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, जिसमें प्रोटीन इन नेचर भी होते हैं और स्टेरॉयडल इन नेचर होते हैं, या हम उन्हें कहेंगे कि कुछ प्रोटीन इन नेचर होते हैं और कुछ जो है वो फैट्स की तरह से होते हैं। हार्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो सिंथेसाइज हैं फ्रॉम अमीनो एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल दैट एक्ट ऑन बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स और उनकी सेल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। दो कैटेगरीज हैं, प्रोटीन्स या स्मॉल पेप्टाइड्स और स्टीरॉइड्स हैं जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स या गोनेड्स से होते हैं। वो सारे उनके अलावा सारे जो हैं वो प्रोटीन्स हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में? पिट्यूटरी, जिसे हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे से दो टाइप्स में डिवाइड होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। थायरॉइड ग्लैंड है, पैराथायरॉइड, एड्रिनल, गोनेड और पैंक्रियाज। इनमें से देखते हैं हम मेजर मेजर, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बेस ऑफ ब्रेन पे प्रेजेंट है, और क्या होता है कि दो पार्ट्स हैं उसके, इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस तरह से ये बेस ऑफ ब्रेन है, ये हाइपोथैलेमस है और यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसका एक इंटीरियर पार्ट है और एक पोस्टीरियर पार्ट है, और ये कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस के साथ। हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल कर रहा है इसके फंक्शंस को और इसको सिग्नल्स भेज रहा है। क्या करते हैं, टोटल ये मिला के 15 हार्मोन्स के थ्रू ये बाकी जो है बॉडीली प्रोसेसेस को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। बोथ लोब्स जो है पिट्यूटरी की, देयर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कम्युनिकेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ बाय रिलीज रेगुलेटरी फैक्टर्स, यानी कि वहीं पर रिलीज हुआ और वहीं पर रेगुलेट करता है, जिसमें कि पोर्टल ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके साथ हाइपोथैलेमस कम्युनिकेट करता है न्यूरोनल वे में, यानी कि सिर्फ उसे इम्पल्सेस सेंड करता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं बनता। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, बेस ऑफ ब्रेन पे प्रेजेंट है, दो लोब्स हैं, एक इंटीरियर है एक पोस्टीरियर है। इंटीरियर को एडिनोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर को न्यूरोफाइसिस कहते हैं। जो इंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं और वो सिक्रीट करता है हार्मोन जो कि अदर हार्मोन्स के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं। जबकि जो पोस्टीरियर पार्ट है वो सिक्रीट करता है एंटी डायुरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। आगे देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जिनको सिक्रीट कर रहा है और फिर वो जाके अपने टारगेट ग्लैंड्स पे या टिश्यूज पे एक्ट कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन आ गया, जो कि स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड बोन्स को। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे और प्रमोट करता है सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है और रिलीज करता है एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि एक्ट करता है ओवरीज पे, फॉलिकुलर ग्रोथ और डेवलपमेंट में, और मेल्स में टेस्टिस पे एक्ट करता है और प्रमोट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो ओव्यूलेशन प्रमोट करता है फीमेल्स में, और मेन में वो प्रमोट करता है एंड्रोजन की प्रोडक्शन को। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो कि मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है फीमेल्स में। ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिन हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है, ये उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे हैं ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी पे। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके लिए हम क्या ड्रग्स यूज़ करेंगे, जिसमें सोमाट्रम आ रही है और सोमाट्रोपिन आ रही है। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हम पेशेंट में कैसे डायग्नोज करेंगे कि हमें उसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा होगा
कि इसमें ग्रोथ उस पेस में नहीं जा रही जिस तरीके से नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जा रही होती है। यानी कि छोटी एज में ही बच्चा होता है तो हमें उसकी एक्सट्रीमिटीज़ स्पेशली उसके हैंड्स और फीट जो है वो छोटे छोटे फील हो रहे होते हैं। हेड का साइज़ मोस्ट कॉमनली नॉर्मल होता है लेकिन हमें बाकी हैंड्स और फीट वगैरह जो हैं वो साइज़ में छोटे फील हो रहे होते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर किसी को देखा हो किसी ऐसे पेशेंट को तो आपने उसके स्पेसिफिकली हैंड्स देखे होंगे वो बहुत छोटे से होते हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मैम आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, डबल भी हो रही है। बहुत कम आ रही है और डबल हो रही है आवाज़, एको कर रही है। बेटा यहाँ पे अब सिस्टम में सही तो है। चले देखिए ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी डायग्नोज हो जाए और पता चल जाए कि इसमें ड्वार्फिज्म के चांसेस हैं तो फिर हम ये ड्रग यूज़ करते हैं। लेकिन जो भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, इस वजह से ये भी बहुत एक्सपेंसिव थेरेपी है। नेक्स्ट हम आगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन से क्रिएट करी थी, ADH या फिर रिपीट कर दें प्लीज जी बच्चे। मैम अभी जो स्लाइड गुजारी आपने वो दोबारा रिपीट कर दें बेटा। ड्रग्स की बात की थी जो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी में यूज़ हो रही है, सोमाट्रेम है और सोमाट्रोपिन है। ये दो ड्रग्स हैं जो कि यूज़ हो रही हैं इन केस ऑफ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। और ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी का हमें पता कैसे चलेगा कि हमें पता चल रहा होगा कि इसमें पोटेंशियल है ड्वार्फिज्म का पेशेंट में, उसमें हम यूज़ करेंगे। और ये बहुत एक्सपेंसिव थेरेपी होती है, बहुत एक्सपेंसिव ड्रग्स होती हैं जो रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ हो रही होती हैं ग्रोथ हार्मोन की। मैम ये दोनों ड्रग्स ग्रोथ के ही हैं जी बच्चे, कोई भी दे सकते। ये दोनों ग्रोथ हार्मोन की रिप्लेसमेंट के लिए ही ड्रग्स हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो ये यूज होती है, किस तरह से और कैसे यूज होगी वो आगे देखेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है दो हार्मोन से क्रिएट कर रहा है जिसमें ADH है और ऑक्सीटोसिन है। ADH क्या कर रहा होता है, प्रमोट करता है वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को, यानी किडनी में रीनल ट्यूब्यूल्स में वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर ADH कम हो जाएगा यानी कि अगर ये इसका रिलीज कम होगा तो क्या होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी जिसकी वजह से वाटर की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी बॉडी में। जब वाटर की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी वाटर की अमाउंट जो एक्सक्रीट हो रही होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा तो डायबिटीज इंसिपिडस का केस आ जाएगा। और उस केस में क्या होगा कि फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, जब फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस आ जाएगा। ठीक है मैम अगेन बता दें प्लीज। बेटा ADH क्या करता है कि वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है रीनल ट्यूब्यूल्स में से, बॉडी में वाटर को रिटेन कराता है। ठीक है ADH ने क्या किया, वाटर को मेंटेन किया। अब ADH कम हो गया तो वाटर को रीअब्सॉर्प्शन भी कम हो गई, यानी कि रीअब्सॉर्प्शन कम हुई तो एक्सक्रीशन बढ़ गई, यानी कि यूरिन में वाटर ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। जब वाटर ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा तो वो डायबिटीज इंसिपिडस का केस आ जाता है, यानी शुगर ज़्यादा हो गई और वाटर कम हो गया आम जबान में। ठीक है यानी आप यूँ कह लें कि सोडियम की रिटेंशन ज़्यादा हो गई वाटर कम, उस डिटेल को छोड़ें। डायबिटीज इंसिपिडस हो गया जब अब वाटर ज़्यादा लॉस हो गया है तो वहाँ पे फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस हो गया, यानी सोडियम और पोटेशियम का इंबैलेंस वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है आ गई चीज समझ? यस मैम यस मैम। नेक्स्ट हमारे थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड हमारे ट्रेकिया के हमारे नेक रीजन में ट्रेकिया पे सामने की तरफ एक बटरफ्लाई शेप या एक एच शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि रिलीज करता है T3 और T4 हार्मोन्स को। दो लोब्स होती हैं इसकी, सिक्रीट कर रहा है टू हार्मोन्स को, थायरोक्सिन जिसे T4 कहते हैं और ट्राईआइडोथायरोनिन जिसे हम T3 कहते हैं। ठीक है थायराइड हार्मोन्स के आगे से तीन एक्शन हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं। एक तो ये स्टिमुलेट कैसे होता है, रिलीज कैसे होता है इनका, एनर्जी यूजेज की वजह से जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करवाते हैं वो, या फिर हार्ट रेट इंक्रीज होता है जो कि फिर रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट की वो इंक्रीज हो जाती है और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है थायराइड हार्मोन कर क्या रहा है, तीसरी चीज क्या कर रहा है, ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट जो है ब्रेन और स्केलेटल मसल्स की उसे प्रमोट करवा रहा है।
अब दो केसेस हो सकते हैं थायराइड ग्लैंड के डिसफंक्शन में, या तो डेफिशिएंसी हो सकती है उसके रिलीज में जो कि हाइपोथायराइडिज्म होगी, या फिर ओवर अबंडेंस हो सकती है यानी कि रिलीज ज़्यादा हो सकती है जिसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे। हाइपोथायराइडिज्म के केस में क्या है कि डिक्रीज अमाउंट हो गई है थायराइड हार्मोन की, इसके कॉज क्या क्या हो सकता है, कोई थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर हो या फिर कोई सेकेंडरी कॉज हो जैसे कि TSH की सिक्रीशन कम हो सक्ती है। उसकी वजह से क्या होगा, जब सिक्रीशन कम हुई तो ये मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करवा रहा था, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, जब मेटाबॉलिक रेट कम हुआ है तो उसकी वजह से लिथार्जी हो जाएगी, वीकनेस होगी, डीमा होगा, पल्स स्लो हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, वेट गेन एंड इमोशनल चेंजेस आएंगे, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि थायराइड हार्मोन कम हुआ हुआ है तो वो ड्रग्स जिसमें T4 और T3 होगा वो देंगे इसको ट्रीट करने के लिए। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में कौन सी ड्रग्स है, लिवोथायरॉक्सिन सोडियम है जिसे लिवोथ्रॉइड या सिंथ्रॉइड कहते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए यूज हो रही है, सिंपल गॉइटर या क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस होगा तो उस केस में ये यूज करते हैं। किस तरीके से एक्ट करेंगी, T3 और T4 को इंक्रीज कर देगी, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी, ग्लाइकोजन यूजेज बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म रैपिड हुआ है तो ग्लाइकोजन का यूज स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन होगी और बॉडी की ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाएगी। लिवोथायरॉक्सिन सोडियम और ये लिवोथ्रॉइड और सिंथ्रॉइड की जो हमने बात की है जो कि रिप्लेसमेंट के लिए यूज हो रही है थायरॉइड हार्मोन की, उनके साइड इफेक्ट्स में क्या आ जाएगा, डायरिया है, क्रैम्प्स हैं और नर्वसनेस है। इसके अलावा एंटी कोएगुलेंट्स जो होते हैं उनके इफेक्ट को ये इंक्रीज कर देंगे विद एड्रेनर्जिक एजेंट्स, डीकंजेशन या वैसोप्रेसर जो होंगे, कार्डिक और CNS इफेक्ट्स और उनके कार्डिक और CNS इफेक्ट्स को भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लियोथायरोनिन, ये क्या है, ये भी T3 की सिंथेटिक मेडिसिन है और ये यूज करते हैं हम मेंटेनेंस के लिए नहीं बल्कि इनिशियल थेरेपी के लिए। मेंटेनेंस का मतलब ये है कि एक लेवल पे मेंटेन रखना है थायराइड हार्मोन के लेवल को, जबकि इनिशियल थेरेपी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लेवल डाउन हो गया तो हम ये ड्रग देंगे जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर लेवल आ जाए जो हमें मेंटेन करना है बाद में, और फिर हम मेंटेनेंस के लिए बाकी ड्रग्स देंगे ताकि उस लेवल को फिर वो बॉडी में मेंटेन रखें। 3 वीक्स के लिए ऑलमोस्ट ये ट्रीटमेंट हम देंगे। जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास आ गया हाइपरथायरॉइडिज्म, उसके गुर्दे पे कब्जा करने ग्रीन वाली कैसे और लाड़े में T3 और T4 की सिक्रीशन ज्यादा हो गई है, सर्कुलेटिंग T3 एंड T4 ओवर बस से, इसकी वजह से मैम प्लीज सबको म्यूट कर दें, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, पैल्पिटेशंस इंक्रीज होंगी और नर्वसनेस होगी। सिम्टम्स माइल्ड टू सिवियर हो सकते हैं, थायराइड स्टॉर्म यानी कि बहुत ज्यादा अगर थायराइड हार्मोन आ गया तो वो डेथ भी कॉज कर सकते हैं ड्यू टू फ्रॉम वैस्कुलर कोलैप्स। ग्रेव्स डिजीज या थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं जो कि मोस्ट कॉमन है इंक्रीज फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से। इसके ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है कि थोड़े से पार्ट ऑफ ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं या फिर रेडियो एक्टिव थेरेपी देते हैं जिसकी में हम उसे रेडियो एक्टिवली कुछ सेल्स को डेड कर देते हैं, रैपिड पल्स पैल्पिटेशंस जो उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं उनमें क्या आ रहा है, रैपिड पल्स होगी, पैल्पिटेशंस होंगी, एक्सेसिव परस्पिरेशन, हीट इंटॉलरेंस, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, बल्जिंग आईज एंड वेट लॉस होगा। मैम ये साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स नहीं है ये इसकी सिम्टम्स हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म को ही बात कर रहे हैं, पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि हम रिड्यूस कर दें अमाउंट ऑफ T3 और T4 को बाय इनहिबिटिंग द थायरॉइड सिक्रीशन। इसके लिए क्या देते हैं, प्रोपाइल थायरोयूरेसिड देते हैं, मिथाइल थायरोयूरेसिड देते हैं, ये दोनों इफेक्टिव हैं, एंटी थायरॉयड ड्रग्स हैं। दो तरह से इसका यूज है, एक तो हमने बात की हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में, दूसरा ये आ जाता है कि अगर हमें थायराइड ग्लैंड का कोई पार्ट रिमूव करना है मे बी हाइपरथायरॉयड की वजह से या किसी और रीजन की वजह से तो हम उसके लिए भी प्रेपरेशन के लिए भी ये ड्रग्स देते हैं ताकि वो थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को सप्रेस कर दे,
तो प्रेपरेशन जब हमने करनी होती है सब टोटल थायरॉइडेक्टमी की, उस केस में भी हम ये ड्रग्स यूज करते हैं। करती क्या है ये, किस तरीके से एक्ट करती है, ये सिंथेसिस T3 और T4 की जो होती है उसे ब्लॉक कर देती है, ऑक्सीडेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करती बल्कि सॉरी वहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है आयोडीन उसे डिस्ट्रॉय नहीं करती बल्कि उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। ऑलमोस्ट 3 weeks का ट्रीटमेंट होता है कि सिम्टम्स इंप्रूव हो जाए उससे पहले, लेकिन इसके साथ क्योंकि हम आयोडीन की थायराइड ग्लैंड आयोडीन के साथ एसोसिएटेड होता है, शायद आप लोगों को पता होगा, इस केस में फिर हम क्या करते हैं कि हमने आयोडीन वाली चीज़ें, आयोडीन सॉल्ट हो गई या शेलफिश हो गई, ये चीज़ें फिर नहीं खानी ताकि वो इंटरफेयर ना करें ड्रग के साथ, उसकी एफिकेसी को फिर वो डिस्ट्रॉय ना करें, ऑल्टर ना करें। नेक्स्ट हम आ गए एड्रिनल ग्लैंड्स पर। एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ हैं, ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी प्रेजेंट हैं और क्या कर रहे होते हैं, दो तरह से होते हैं, जो इनर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेडुला और जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला जो है वो रिलीज करता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, दरमियान वाला मेडुला है और साइडों पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। मैम पिछली स्लाइड रिपीट कर दें प्लीज। जी बच्चे पिछली स्लाइड रिपीट कर दें। बेटा एड्रिनल ग्लैंड्स की हमने बात की है, किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये किडनीज हैं, इनके टॉप पे एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, इनके जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसे हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं और जो साइडों वाला पार्ट होता है उसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज कर रहे होते हैं जो कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो दो तरह के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो कॉर्टिसोल है जबकि जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो एल्डोस्टेरोन है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, सोडियम को रिटेन करेंगे और पोटेशियम को एक्सक्रीट करेंगे, यानी सोडियम को सोडियम आइंस को एब्जॉर्ब करना है और पोटेशियम आइंस को वेस्ट करना है। सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब जब होता है तो उसके एक्सचेंज में एक पोटेशियम आयन वो अंदर भेज देते हैं, वो एक्सक्रीट हो जाता है। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जो है इन सब के मेटाबॉलिज्म को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सीरियस इलनेस या डेथ कॉज हो सकती है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, एडिसन्स डिजीज हो सकती है या कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करेंगे, ये क्या होता है, ACTH इनको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, इसका रिलीज कहाँ से हो रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये इफेक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के मेटाबॉलिज्म को और ये भी सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवा रहा है किडनी से, वाटर की रिटेंशन करा रहा है जबकि पोटेशियम को लॉस हो रहा है। सोडियम और वाटर को रिटेन कर रहा है जबकि पोटेशियम को लॉस कर रहा है और ब्लड प्रेशर इस केस में इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट चीज है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या चीज है, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। मैम थोड़ा सा स्लो पढ़ा दें, मतलब बहुत फास्ट फास्ट हो रहा है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम आ गए हैं कॉर्टिसोल पे। कॉर्टिसोल क्या चीज है, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ये क्या कर रहा होता है, इसके इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स है, इन्फ्लेमेशन के केस में यूज होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए एंटी एलर्जिक इफेक्ट्स है, एलर्जिक रिएक्शन को कम करता है, एंट्री स्ट्रेस इफेक्ट्स है। इसके इंडिकेशन इसके क्या क्या होंगी, ट्रॉमा के केस में क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई होगी और इसके अलावा स्ट्रेस भी होगा उसको कम करेगा। सर्जरी के केस में अगेन इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे उसको कम करेगा। इन्फेक्शन के केस में कोई एलर्जन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसे कम करेगा। इमोशनली अपसेट या एनजाइटी के केस में यूज होगा तो वहाँ पर अपने एंटी स्ट्रेस इफेक्ट्स देगा। मोस्टली जो ड्रग्स हैं जो इसके लिए यूज होती हैं कॉर्टिसोन ड्रग्स वो सिंथेटिक है। ठीक है, नेचुरल एजेंट से नहीं बनी हुई, सिंथेटिक ड्रग्स है। कौन कौन सी ड्रग्स ये आगे देखते हैं, कौन सी ड्रग्स है, किस तरह से दी जाती हैं, ओरली, पेरेंट्रल, टॉपिकल या एरोसोल, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, जैसे इनहेलर्स की फॉर्म में दी जाएंगी अगर एस्थमा का केस है, टॉपिकल क्रीम्स ऑइंटमेंट्स वगैरह के केस में दी जाएंगी अगर कोई कंडीशन जो है वो स्किन डिजीज है, कोई स्किन पे एलर्जिक वगैरह है उस केस के लिए।
पेरेंटल्स दी जाएंगी आई एम या आई वी जैसे कि इन्फ्लेमेशन के केस में, और ओरली भी इन्फ्लेमेशन और इसके केस में दी जाएंगी एलर्जिक रिएक्शंस के केस में। यूजेस क्या क्या है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, शॉक के केस में, हेड ट्रॉमा के केस में और एस्थमा में ये यूज हो रही है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में, एनाफाइलेक्सिस में, एनाफाइलेक्सिस अगेन एलर्जिक रिएक्शन टू ड्रग्स, डेब्लिकेटिंग कंडीशन जिसमें मेलिग्नेंसीज आ जाती हैं यानी कि कैंसर वगैरह, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हैं वो मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हैं वो ज़्यादा पोटेंट है बाकियों से, कुछ का ज़्यादा इफेक्टिवनेस है कुछ की कम है। साइड इफेक्ट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, फ्लूइड की रिटेंशन हो गई, मसल्स वीकनेस हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, जी आई टी के लिए हार्ड हो सकती है, जी आई टी के लिए हार्ड होने का क्या मतलब है कि ये स्टमक अल्सर्स वगैरह कॉज कर सकती हैं, हेडेक, ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन भी हो सकता है इनसे। कौन सी ड्रग्स आती हैं, डेक्सामेथासोन है मोस्ट कॉमन, डेकाड्रॉन नाम शायद आप लोगों ने सुना हुआ होगा, पर ओरल भी यूज़ करते हैं इसे, आई वी और आई एम भी यूज़ करते हैं। इसका एक्शन क्लियरली डिफाइंड नहीं है लेकिन ये इन्फ्लेमेशन को भी कम कर रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स के केस में भी ये सप्रेस कर रहा है और ये स्टिमुलेट कर रहा है बोन मैरो को। ठीक है, सेरिब्रल एडिमा के केस में दे रहे हैं डेक्सामेथासोन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में दे रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शंस में दे रहे हैं और नियोप्लेजियाज में दे रहे हैं। प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोन एक और ड्रग है जी बच्चे, पिछली स्लाइड बच्चे पिछली स्लाइड में ये बताया हुआ डेक्सामेथासोन की हम बात कर रहे थे, जिससे पहले ये बात की है हमने कि ये डेक्सामेथासोन जो ड्रग है उसके क्या क्या यूजेस हैं। पहले हमने बात की थी कि इन्फ्लेमेशन एक्शन क्या है इसका, इन्फ्लेमेशन को कम करना, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करना और बोन मैरो को स्टिमुलेट करना, ये इसके एक्शंस हैं। अब पर्टिकुलरली किस डिजीज में ये हम दे रहे हैं वो डिजीजेस क्या क्या है, सेरिब्रल एडीमा है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हैं और नियोप्लेजियाज हैं जिसमें हम डेक्सामेथासोन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं प्रेडनिसोलोन पे या प्रेडनिसोन पे, उसके एक्शंस क्या है, ये भी सप्रेस कर रही है इन्फ्लेमेशन को और एड्रीनल फंक्शन को। यूजेस क्या होंगे, सिवियर इन्फ्लेमेशन के केस में, इम्यूनो सप्रेशन के केस में और डर्माटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के केस में ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिटर्स पे, अभी हम बात कर रहे थे ये जो हमने कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स बात की थी ये वो थे जो कि इन्हांस कर रहे हैं एक्शन को। ठीक है, अब हम आगे जो इसको इनहिबिट कर रहे हैं, जो इनहिबिट कर रहे हैं उसमें क्या आ जाता है, कीटोकोनाजोल जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, अमाइनो ग्लूटामाइड जो कि एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है जो कि ये भी एज हार्मोन एंटागोनिस्ट एक्ट करती है, और ये क्या करते हैं कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड पे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है, सिक्रीट करते हैं एल्डोस्टेरोन, मेनली क्या कर रहे होते हैं, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, उसी तरीके से रिजॉर्व कर रहे हैं सोडियम को रीनल टिब्यूल से, सोडियम वाटर को भी अट्रैक्ट करती है तो वो वाटर को भी रिएब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर की भी रिटेंशन हो जाती है। क्या होगा हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया के केस में क्या होगा, ज़्यादा एल्डोस्टेरोन सिक्रीट हुआ, सोडियम और वाटर की ज़्यादा रिटेंशन हुई, ज़्यादा फ्लूइड रिस्टोर हो गया, और सिर्फ सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन के साथ पोटेशियम का लॉस हो रहा है ये हमने पहले भी देख लिया, तो एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होने के केस में हाइपोटेंशन हो जाएगी और वास्कुलर कोलैप्स हो जाएगा जिसे हमने एडिसन्स डिजीज कहा था। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड फ्लुडोकॉर्टिसोन हम दे रहे हैं, ये क्या है, ओरल मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि किसी ना किसी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ ही दी जाती है। एक्शन क्या होता है इसका, कि ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती है और पोटेशियम की सिक्रीशन को, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी तो पोटेशियम की सिक्रीशन कम हो जाएगी। यूज इसका किस चीज़ में है, एडिसन्स डिजीज में जिसमें इनसफिशेंसी हो रही है उसी में देंगे ना जिसमें कमी पड़ रही है। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके, हाइपरटेंशन, सोडियम और वाटर की रिटेंशन, अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स में और ब्लड प्रेशर में डिफरेंस आ जाए तो वो अलर्ट कंडीशंस आ जाती हैं और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस बन जाता है जिसकी वजह से फिर हमें इसके साथ हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के साथ। ठीक है बच्चों, इतना ही था आज के लिए। मैम नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या है जी बच्चे,
नाइट्रोजन बैलेंस की इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है ना, तो नाइट्रोजन बैलेंस भी नेगेटिव की तरफ चला जाता है, ठीक है? ओके मैम। इसकी वजह से फिर हम प्रोटीन डाइट लेते हैं ताकि वो उसको मेंटेन कर सके, वो दोबारा बैलेंस में आ जाए। मुझे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे कंसेक्यूटिव लेक्चर्स होते हैं और रोजे में बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, और आप लोगों का लास्ट होता है लेक्चर, इस वजह से शायद स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है मेरी। और मैम आपका लेक्चर बहुत छोटा होता है लेकिन आप बहुत स्पीड से पढ़ाती हैं। वाकई बहुत आसान और छोटा होता है लेकिन आप थोड़ा सा स्लो पढ़ाया करें ताकि हमें उसी टाइम चीजें समझ में नहीं आती है चीजों की ना। बेटा मुझे कह दिया करें, एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता चलता, मैं स्पीड अप हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता चलता है टाइम्स, लेकिन आप लोगों का लास्ट लेक्चर होता है, मैं सुबह से कंसेक्यूटिव लेक्चर दे रही हूँ और रोजे में मुझसे बहुत मुश्किल हो रही है, मैं आप लोगों को साफ साफ बता रही हूँ, मेरे रोजे भी मुश्किल गुजर रहे हैं। मैम एक्चुअली ना आज इंटरनेट का बहुत इश्यू है हमारी साइड पे भी और आपकी साइड पे भी। बेटा मैं तो यूनिवर्सिटी में ही हूँ और यहाँ क्लासरूम में मुझे नहीं पता कि क्या। मैम यूनिवर्सिटी में ही भाई मैं आपको, जी जी मैम पहले भी हमारी क्लास हुई है ना माइक्रो की, तो उसी में भी सर बता रहे थे कि मैं यूनिवर्सिटी से क्लास ले रहा हूँ लेकिन बहुत ज्यादा नेट का इशू आ रहा था, तो आज ना यूनिवर्सिटी में भी है थोड़ा सा नेट का और हमारी वाली साइड पे भी है। मुझे थोड़ा सा आप लोग रमजान में कोऑपरेट कर लें मेरी स्पीड के साथ, अपने आप को भी मैनेज करें और कुछ कुछ मुझे भी कह दिया करें कि मैम स्लो डाउन हो जाए, ज्यादा हो गई है स्पीड, ठीक है मैम? यस मैम, अगर आप माइक्रो का लेक्चर इससे सॉरी फार्मा का लेक्चर इससे पहले भी ले रही हैं तो आप वो जो पहले पढ़ाती हैं वो वाला रिकॉर्ड करके हमें दे दें, आपको दोबारा पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। बेटा डिफरेंस आ रहा है यस मैम, ठीक है? तो फार्मा का ये वाला नहीं आप पढ़ा रही किसी और को? नहीं बेटा आप लोगों के उसमें डिफरेंस, क्योंकि मेरी तब से हिम्मत ज्यादा होती है, मैं उन्हें थोड़ा ज्यादा पढ़ा देती हूँ, वो आगे चले जाते हैं, ठीक है? हम वही रिकॉर्डिंग सुन के स्लाइड्स के साथ पढ़ लिया करेंगे ना, आपको भी इतना नहीं होगा वरना इस वक्त काबू में। यस मैम हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे बेटा, रिकॉर्डिंग तो मुझे वाली अपलोड करनी है ना आप लोगों के एलएमएस पे, बस इंशाल्लाह ये रमजान में खत्म हो जाएगा मसला, थोड़े से दिन रह गए हैं रमजान तो खत्म होने ही वाला है, फिर हम इसको जो है ना इंशाल्लाह आराम आराम से लेके चलेंगे, ठीक है? लेक्चर्स में इसलिए थोड़ी थोड़ी पढ़ाती हूँ कि पढ़ा जाए। सही है मैम, वरना मैंने इसलिए कहा था कि इजी होगा अगर आप रिकॉर्डिंग भेज दें और नेक्स्ट डे हमसे पूछ लें कि कोई इशू था तो फिर हम उसको डिस्कस कर लें, ठीक है? आप लोग खुद पढ़ा करें और मुझसे नेक्स्ट टाइम पूछ लिया करें जो चीज़ नहीं समझ में आई हुई हो, मैं आजकल आप लोगों से सुन भी नहीं रही हूँ पिछला, ये भी करना है मैंने, सुनना है, मैंने आप लोगों को हिंट भी दे दिया कि हम रमज़ान खत्म हो जाए उसके बाद से मैं सुना भी करूँगी आप लोगों से और साथ साथ पढ़ना है ताकि हमारे असेसमेंट भी किसी किस्म की जो है ना आप लोग और इसमें से पढ़ें जो चीज नहीं मैंने कहना था कि अगर कोई व्हाट्सएप पे या कहीं ग्रुप है तो प्लीज उसमें मुझे ऐड कर लें, मैं ऐड नहीं हूँ। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो किरण मुस्तफा को ऐड कर लें। मैम आप ना हम एक लिंक जनरेट वो ईमेल कर दें सब बच्चों को, क्योंकि आपकी सिर्फ मेल नहीं आती सबको, शायद मेरे ख्याल से 1% पर जाती है, तो आप कर देंगे ना फिर मैं उसमें उसके रिप्लाई में कर। बेटा मैं ईमेल किसी को भी नहीं करती हूँ, ये सारे लिंक जूम पे प्रेजेंट है और आप लोगों ने अब इसी से क्लास लेनी है, मैं किसी को भी ईमेल नहीं कर रही हूँ। जी मैम तो सबके नाम नहीं है ना पास, जैसे जैसे टीचर्स हमें ईमेल सेंड करते हैं ना क्लास का, तो उसी के रिप्लाई में हम वो ग्रुप के लिंक सेंड कर देते हैं तो फिर बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है बेटा मैं कर दूंगी। यस थैंक यू मैम, यू वेलकम। ठीक है बच्चों आप लोग लीव कर सकते हैं, अल्लाह हाफिज़।